मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग ग्राफ को काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि हायर एजुकेशन में तो खूब ग्राफिक एनालिसिस है, चीजों की जरूरत है। और आप देखेंगे कि पेपर्स भी बिना ग्राफ के नहीं बनते, और एक फिजिक्स में ग्राफ एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी होता ही है। तो मैं आप लोगों को पिछले क्लास में दिया था ग्राफ खींचने के लिए, हमें आशा है कि आप लोग खींचे होंगे और चेक करना है हम लोगों को। तो ये मैं ग्राफ दिया था, ये इसको कहा था x और इसको कहा था y, ठीक है। तो ex तो मैं इसी पे खींच देता हूं ना, पहले ey खींच देते हैं नहीं तो ऑर्डर ही उलट जाएगा। चलिए पहले तो यहां पे मैं e खींच देता हूं और यहां पे दूरी ले लेता हूं ना y। याद करिए, यदि प्लस प्लस तक खींच चुके हैं तो माइनस माइनस के लिए हमें बस क्या करना है वो समझने की जरूरत है। डिस्टेंस तो d दिया ही था, ठीक है। तो ये देखो कि किस तरीके से यहां पर प्लस के कारण ऊपर था, माइनस के कारण यहां पे फील्ड अपनी तरफ होगा और नेट नीचे होगा। इसका मतलब वाई दूरी इधर प्लस में जाओगे तो फील्ड माइनस होगा, और यदि नीचे जाओगे यहां पे देखो वाई में माइनस जाओगे तो फील्ड ऊपर होगा। इसका मतलब साफ है कि यहां पे ऐसे हो जाएगा और यहां पे ऐसे हो जाएगा। तो और ये d बाई टू रूट टू तो होगा ही, तो हो गया ये ग्राफ कितना था खींच लो। तो जो प्लस प्लस का जो ग्राफ था y के अलॉन्ग, वो उसका मिरर इमेज या उल्टा ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि माइनस का अपनी तरफ होता है तो डायरेक्शन उलट गया, मतलब प्लस वाई पर, वाई प्लस पर, देखो प्लस इधर होता है ओरिजिन ही है, वाई प्लस पर फील्ड माइनस है और वाई माइनस पर फील्ड प्लस है। मतलब y प्लस पर फील्ड माइनस है और y माइनस पर फील्ड प्लस है। बाकी तो वैसी ही सिमेट्री है जो हम लोग कैलकुलेट किए थे, डिफ्रेंशिएट किए थे, जीरो इक्वेट किए थे और सब अपना मैक्सिमम मिनिमम सब वही वैल्यूज है। दूसरा पॉइंट ध्यान से मेरी बात सुनना, वही वाली बात x के लॉन्ग आप खींचने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। इसको मैं कहने वाला हूं वाई है और y की जगह ही हम लोग का e होने वाला है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस बार हम लोग इस पे पोजीशन लिए थे और ग्राफ खींचे थे, इस बार हम लोग को इस पे पोजीशन लेना है और ग्राफ खींचना है, ठीक है। चलो ध्यान सुनना, बताओ यहां पे बीच में तो जीरो होगा, ठीक है। इसका फील यहां पे अपनी तरफ होगा, इसका फील यहां पे अपनी तरफ होगा, बराबर मैग्नीट्यूड में होगा, डायरेक्शन में उल्टा होगा, जीरो हो गया, ठीक है। अच्छा करीब में बताओ, इसका फील यहां पर अपनी तरफ होगा कि अवे होगा, सोच बताओ। कई बच्चे सोचते हैं कि सर कैसे अवे और टूवर्ड्स कर देते हैं, इसको देख के बताना होता है। माइनस है तो यहां पे अपनी तरफ होगा, अपनी तरफ मतलब इधर होगा, इधर मतलब निगेटिव होगा। देखो एक्स वाला के अलॉन्ग निगेटिव इधर होता है, निगेटिव मतलब नीचे बनाना है और इनफाइनाइट तो बनाना ही है, यहां पे जीरो। यहां पे देखो इसके कारण देखना है, माइनस के कारण अपनी तरफ होगा, यहां पर अपनी तरफ होगा मतलब इधर होगा, इधर होगा मतलब प्लस होगा, प्लस इधर प्लस होता है और प्लस होगा मतलब ऊपर होगा, प्लस मतलब ऊपर, माइनस मतलब नीचे, इधर। काफी ज्यादा आइडिया लग गया, बीच में जीरो हम लोग जान चुके थे और ऐसे ग्राफ। दूसरा यहां पे देखो, माइनस का अपनी तरफ होगा, माइनस है ये तो यहां पर अपनी तरफ होगा, इधर होगा, यहां से देखो इधर माइनस होता है, माइनस मतलब ऊपर बनाए कि नीचे, नीचे, दूर जाओगे कम होगा, दूर जाओगे कम होगा, और सीधी सी बात है ऐसे ग्राफ होगा। एक और यहां पर माइनस का ये अपनी तरफ होगा, माइनस है तो अपनी तरफ होगा, अपनी तरफ मतलब एक्स वाला वैल्यू देखो इधर प्लस होता है,
प्लस मतलब ऊपर बनाएंगे नीचे, तो कहोगे ऊपर बनाएंगे, और इन्फाइनाइट तो होगा ही टेंडिंग टू जीरो दूरी पे, दूर जाओगे कम होगा, इन्फाइनाइट पे जीरो होगा। ग्राफ है, ये है ग्राफ। लेकिन एक और बात है जो ध्यान देना है, जो थोड़ा सा याद रखने के लिए, हम लोग पोटेंशियल में देखेंगे, फील्ड में ध्यान से सुन लो, ये थोड़ा बहुत जल्दी से करने के लिए, फील्ड में पॉइंट चार्ज पर डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है फील्ड की, और बहुत अचानक सेपरेशन होता है, इनफाइनाइट चेंज होता है डायरेक्शन के कारण। तो एक तरफ ऊपर होगा ना, तो इसके दूसरी तरफ नीचे ही होगा, एक तरफ ऊपर होगा ना तो दूसरी तरफ नीचे ही होगा, ये मस्त है। एक तो जान लो, लेकिन हाँ पॉइंट चार्ज के अलावा, पॉइंट चार्ज पे इस तरह की डिस्कंटिन्यूटी आती है। तो जो भी मैं आपको सात सात चार्जेस दिया हूं, इस बात का ख्याल रखना कि पॉइंट चार्ज के इधर लाइन ज्वाइनिंग पर, पॉइंट चार्ज के इधर ऊपर है तो पॉइंट चार्ज के उधर नीचे होगा, चाहे पॉइंट चार्ज के इधर नीचे है तो पॉइंट चार्ज के उधर ऊपर होगा, उल्टा होना तय है। और पोटेंशियल जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक ही तरफ होगा, इधर ऊपर होगा तो इधर भी ऊपर होगा। ये पोटेंशियल वाला अभी याद दिला देता हूं, तो बाद में पढ़ेंगे, एक ये पॉइंट है जो आपको समझना था। अब हम लोगों को देखना है दूसरा वाला, दूसरा जो ग्राफ है, दूसरा ग्राफ है हम लोगों के पास है प्लस क्यू और माइनस क्यू ग्राफ है, याद करिए। और कहा गया कि यहां से ये वाई है और यहां से ये एक्स है, ठीक है, देखते हैं। इसके अलावा हम लोग को ग्राफ बनाना है, चलो देखते हैं। यहां पर y दूरी पर ये देखो, इस कहीं भी सबका फील होता है, तो प्लस का यहां फील अवे, और देखो माइनस का भी फील यहां पे होगा अपनी तरफ, ठीक है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, आमने सामने थीटा, ये थीटा ये भी थीटा, और सिमेट्रिकली यदि ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा ही होगा, ये भी समझना है। अब इसका कंपोनेंट इधर देखो कितना है, ई कॉस थीटा है, और इधर की तरफ ई साइन थीटा है, इसका देखो इधर ई कॉस थीटा है, और इसका इसका इधर देखो टू ई साइन थीटा हो गया। डिस्टेंस आपको पता ही है कि डी है, डिस्टेंस आपको मालूम है कि डी है। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि ई नेट क्या आ रहा है, वो देखो ई नेट यही है। वैसे ही दो मैग्नीट्यूड वेक्टर बराबर हो मैग्नीट्यूड में तो एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग ही नेट आता है, ये इसलिए ऐसा होने लगा है कि प्लस का इधर है और माइनस का इधर है। लाइन्स ऑफ फील्ड में इस तरह की बात हो चुकी है, टू E साइन थीटा, टू की जगह टू, E की जगह यदि R मान ले इसको दूरी को, तो इसका E की वैल्यू देखो K Q बाई R स्क्वायर है। और जरा साइन थीटा जरा यहां से देखो, तो साइन थीटा ये D बाई टू है, यदि टोटल D है तो यहां से यहां तक D बाई टू है। देखो साइन थीटा, थीटा साइन थीटा, D बाई टू बाई R, परपेंडिकुलर है, और वैल्यू आ गया टू टू कैंसिल हो गया होगा, के क्यू डी बाई आर क्यू, के क्यू डी बाई आर क्यू, ये समझना है आपको। पता है कि आर कितना है, अंडर रूट वाई स्क्वायर, अंडर रूट ये आर देखो, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर,
तो यदि मैं कहूं कि ई नेट कितना है, तो ई नेट की वैल्यू है के क्यू डी बाई वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर, और अंडर रूट है तो इसलिए 3/2 हो जाएगा। देखो 3/2 ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। दिस इज रिलेशन बिटवीन ई एंड y, इस बार y ऊपर नहीं आया, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचते हैं, देखते हैं कि आखिर ग्राफ इसका कैसा होगा। e और ये देखो y, पहले कई लोग तो यही गलत लिख देते हैं, ये y पोजीशन है, तो यहाँ पे y दूरी पोजीशन है और e खींचना है, जो e नेट है, e और y का रिलेशन है, बाकी सब कांस्टेंट है। एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है y बढ़ाओगे तो ये घटेगा, ऊपर y नहीं है, बढ़ाओगे तो घटेगा, बढ़ाओगे तो घटेगा, बढ़ाओगे तो घटेगा, बढ़ाओगे तो घटेगा, इनफाइनाइट चले जाओगे, इनफाइनाइट, तो ये जीरो हो जाएगा और होना भी चाहिए। इस बार यहां पर y जीरो करने पर जीरो नहीं होगा, क्योंकि देखो ना प्लस का इधर होगा और माइनस का भी अपनी तरफ होगा और एक ही तरफ होगा, तो इससे जुड़ जाएगा। मैं तो कहता हूं कि बल्कि y वाला लिख लेते हैं, y जीरो के लिए e देखो क्या आ रहा है, y जीरो के लिए क्या आ रहा है, e y जीरो कर दोगे तो तुम लोग y जीरो करके सॉल्व करने की कोशिश करो, तुम्हें मिलेगा 8kq/d2। y जीरो करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ये मिलेगा जीरो नहीं होगा। दूसरा एक केस, ये तो समझ में आ गया, दूसरा एक केस जरा देखो, तो प्लस y पर फील्ड इधर ही है, प्लस वाई पर फील्ड इधर ही है, बस घट रहा है, और माइनस वाई पर भी फील्ड इधर ही है, बस घट रहा है उधर ही। इसका मतलब इधर को प्लस माना जाए तो प्लस वाई के लिए भी फील्ड प्लस है, और माइनस वाई, प्लस वाई एंड माइनस वाई, माइनस वाई के लिए भी फील्ड इधर ही है, प्लस है। एक ये पॉइंट है जो तुम्हें समझना था। दूसरा, अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहां पर तो ठीक है वैल्यू, y बराबर जीरो पे तो ये है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे कर दें कि ऐसे कर दें, इनफाइनाइट पे जीरो करने का तो तरीका यही है, या तो ऐसे कर दिया जाए या तो यहां से ऐसे करके ऐसे किया जाए, देखो ऐसे ऐसे किया जाए कि ऐसे किया जाए, ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको याद दिला देता हूं, हमें शुरू में स्लोप देखना होगा, शुरू में हम लोगों को स्लोप देखना होगा, और बहुत सारे लोग इसका भी ग्राफ गलत बनाए हुए किताबों में भी और गलत पढ़ा भी दे रहे हैं, फटाक से ऐसे ग्राफ बना दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं बच्चे अपने नोट्स में दिखाते हैं, ऐसे फटाक से ग्राफ बना के कर देते हैं, देखो ऐसे घट के जीरो हो गया, और ऐसे है ना, पहले तो बहुत सारा इस तरह ग्राफ बनाते भी नहीं है, तो ये समझने की जरूरत है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, तो हमें चेक करना पड़ेगा, शुरू में स्लोप देखना होगा, हमें शुरू में स्लोप देखना होगा कि रियली में क्या हो रहा है यहां पर, ये देखना पड़ेगा। तो देखते हैं स्लोप, देखते हैं तब, जब देखना पड़ेगा तो dy by dx, de net by dy, क्योंकि इसलिए y, क्योंकि y का फंक्शन था ये, इसको तुम लोग डिफ्रेंशिएट करो, इसको तुम लोग डिफ्रेंशिएट करो और देखो कि क्या मिलता है। तो मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं k q d,
ये माइनस थ्री बाई टू में एक और माइनस हो जाएगा, माइनस थ्री बाई टू तो बगल में आ जाएगा, माइनस थ्री बाई टू और यहां पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर टू दी पावर फाइव बाई टू इंटू टू वाई, दिस इज डी ई बाई डी एक्स डी वाई। अब जरा गौर करो तो इस पे स्लोप y बराबर जीरो पे स्लोप देखो एट y बराबर जीरो डी ई बाई डी वाई बराबर जीरो। स्लोप यदि शुरू में जीरो है तो इसका स्लोप जीरो तो नहीं होता, तो प्लानिंग के नाम पे देखो क्यों शुरू में स्लोप चेक करना चाहिए। कहीं पे भी मैग्नेटिज्म में खूब ग्राफ आता है, इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड में भी खूब ग्राफ आता है, डिस्क का स्फीयर का रिंग का दिस का दैट का चार्ज का एलिमेंट का। तो क्या करना चाहिए जब इस तरह का एक्सप्रेशन आता है, तो ध्यान से सुनना, हमेशा वाई शुरू में एक्स बराबर जीरो या वाई बराबर जीरो या डिस्टेंस बराबर जीरो शुरू में जीरो पे स्लोप चेक करो। यदि स्लोप माइनस है, इनफाइनाइट पर जीरो तो हो रहा है ठीक है अक्सर होता है, स्लोप यदि माइनस है तो सीधा माइनस से शुरू होगा ऐसे, यदि स्लोप प्लस है तो यहां से शुरू होगा और ऐसे होगा, स्लोप जीरो है तो यहां से शुरू होगा। सो दिस इज स्लोप जीरो, दिस इज स्लोप माइनस एंड दिस इज स्लोप प्लस। अब बताओ स्लोप निकालना जरूरी पड़ा कि नहीं, स्लोप निकालना जरूरी पड़ा कि नहीं, स्लोप निकालना पड़ रहा है कि नहीं, बोलो। स्लोप और वाई बराबर जीरो पे ही चेक करना है, तो जरा वाई बराबर स्लोप में जीरो करो तुम्हें जीरो मिलेगा। यदि स्लोप जीरो है ना तो देखो ग्राफ देखो, तब तुम ग्राफ ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये समझना है। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग इस तरह के ग्राफ को गलत खींच दे रहे हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। और यदि मैं डायग्राम से दिखाऊं किस तरीके से इनका फील्ड डिक्रीज कर रहा है, हालांकि वैल्यू तो आ गया है, ये भी ग्राफ में जरूर चेक करना चाहिए कि शुरू में कितना फील्ड है, बाद में कितना फील्ड है, इनफाइनाइट का कितना फील्ड है ना। तो वीडियो को पॉज करके सब स्लोप वाला वैल्यू लिख लीजिएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यदि हमको यदि इसके अलॉन्ग एक लेवल डायग्राम से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना पड़ता ना तो मैं ऐसे दिखाता, देखो ऐसे दिखाता, कहता ऐसा है भाई वाई को देखो कैसे दिखाता है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो मैं कहता कि सबसे ज्यादा फील्ड वाई एक्सिस पर सबसे ज्यादा फील्ड यहां पे होगा। एक्सप्रेशन देख सकते हो वाई बराबर जीरो पे जो एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन कितना था, ये था शायद, क्या ये था, ये शायद था y बराबर जीरो पे मैक्सिमम फील्ड है, जितना ही y बढ़ाओगे उतना ही फील्ड कम होगा, जितना ही y बढ़ाओगे उतना ही फील्ड कम होगा, पर फील्ड होगा इधर। इसका मतलब यदि लेवल डायग्राम मैं दिखाऊं, लेवल डायग्राम तो ऐसे दिखाऊंगा कि भाई ऐसा है कि यहां पर फील्ड है E और फिर किस तरीके से ये घट रहा है, किस तरीके से ये घट रहा है ऐसे, मतलब ऐसे घट रहा है देखो, तो इस तरह का वेरिएशन है कि किस तरीके से सबसे ज्यादा फील्ड यहां पर है इधर की तरफ, फिर ऐसे कम कैसे कम हुआ है वो आपके सामने मैं एक लेवल डायग्राम बता दिया हूं। और ज्यादा लंबा है तो ज्यादा फील्ड है, कम लंबा है तो कम फील्ड है, कम लंबा एरो है तो कम फील्ड है,
और धीरे धीरे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके जीरो हो रहा है। एक ये पॉइंट है जो आप लोगों को जानना था। दूसरा जो हम लोगों का इसी में जो ग्राफ बचा हुआ है वो है एक्स एक्सिस पर ग्राफ बचा हुआ है, इसको भी आप खींच लीजिएगा। हम लोगों का जो अब ग्राफ बचा हुआ है वो एक्स एक्सिस पर ग्राफ बचा हुआ है, तो हम लोग ग्राफ अब ये बचा है। यहां पर ई लिखना है, ये ई है और इसके अलावा हम लोग को ग्राफ खींचना है, ठीक है, याद करो, यहीं पे याद करो कि देखो यहां पे फील्ड कितना है, इसी के अलावा खींचना भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है यार। कम से कम एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग ग्राफ अलग होगा पर एक वैल्यू कॉमन है जो मिड पॉइंट वाला है, इंटरेस्टिंग पॉइंट, ध्यान से फिर से सुनो, इसके अलोंग ग्राफ खींचो, चाहे इसके अलोंग ग्राफ खींचो, बाकी सारे पॉइंट अलग अलग बातें होंगी पर एक पॉइंट तो कम से कम कॉमन होगा जो बीच वाला है, एक पॉइंट है, इसका मतलब बीच वाला वही वाला वैल्यू है जो निकाल चुके हैं, तो मैं अगर से निकालूंगा नहीं। और आप देखे थे कि फील्ड इधर आया हुआ है जो यहाँ पे दिख भी रहा है, और इसे यदि मैं इसके अलोंग इसे कहूं प्लस है तो ये देखो प्लस है और कुछ इसकी वैल्यूज है, कहो तो लिख भी दे इसकी वैल्यूज, याद होगा तो ए के क्यू बाई डी स्क्वायर, देख लो पिछले वाले निकाले हैं इसी में, एक पॉइंट ये है। अच्छा कुछ चीजें और देख लो, यदि यहां पर फील्ड देखें यहां पर तो बताओ फील्ड अपनी तरफ होगा कि अवे होगा, इसी का देखना भी है, बाकी सबका तो देखना भी नहीं होता है, करीब में बाकी जगह तो सबका देखना होता है, करीब में किसी पॉइंट से करीब में बस उसी का देखना होता है। हाँ तो बताओ अपनी तरफ होगा कि अवे होगा, तो कहोगे अवे होगा, मैं कहूंगा इधर होगा कि इधर होगा, तो कहोगे इधर अवे होगा, मैं कहूंगा प्लस है कि माइनस है तो कहोगे प्लस है, तो मैं कहूंगा ऊपर बनाओ कि नीचे बनाओ, तो प्लस ऊपर ही बनाया जाता है, नीचे कहां बनाया जाता है। और इनफाइनाइट इनफाइनाइट दिखाने का यही तरीका होता है, ये भी जान लो आज, मैं तो कई दिन से ये पढ़ा भी रहा हूं। ये थोड़ा सा आइडिया है, ये थोड़ा सा आइडिया है, अब यहां पे आइडिया लेते हैं। यहां पर बताओ ये माइनस है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, बताओ ये यहां पर फील्ड, ये माइनस है, फील्ड अवे होगा कि फील्ड अपनी तरफ होगा, तो कहोगे अपनी तरफ होगा, मैं कहूंगा प्लस होगा कि माइनस होगा, तो इसको डायरेक्शन देख के बताना है, प्लस होगा, प्लस होगा तो नीचे बनाए कि ऊपर बनाएंगे, तो कहोगे ऊपर बनाए, प्लस नीचे कहां होता है प्लस, ये हो गया क्लियर, काफी ज्यादा आ गया, यदि और सोचना है तो सुन लो, प्लस इनफाइनाइट इधर की तरफ, इनफाइनाइट फील्ड निकला कम हो के कम हो, इनफाइनाइट फील्ड कम हो के जीरो नहीं मिनिमम, और फिर बढ़ बढ़ के फिर इनफाइनाइट, क्योंकि पॉइंट चार्ज के करीब में तो इनफाइनाइट ही होता है, और देखो इनफाइनाइट से कम हो के मिनिमम एंड देन बढ़ के इनफाइनाइट। और आप लोगों को एक चीज याद होगा, यहाँ प्लस यहाँ पे ऊपर है तो इधर नीचे होगा, और यहाँ पे ऊपर है इधर की तरफ ऊपर है तो इधर की तरफ नीचे होगा, ये भी है, याद करो, मैं बात कर चुका हूँ पिछले वाले क्लास में। हाँ ध्यान से चलो फिर भी देख लेते हैं, चलो यहाँ पे पॉइंट बताओ, यहाँ पे फील्ड माइनस का अवे होगा कि अपनी तरफ होगा, तो कहोगे अपनी तरफ होगा, मैं कहूंगा प्लस होगा कि माइनस होगा, तो कहोगे माइनस होगा, इधर तो माइनस ही होता है, मैं कहूंगा ऊपर बनाओ कि नीचे बनाओ, तो माइनस नीचे बना जाता है, दूर जाओगे कम होगा, दूर इनफाइनाइट पे जाओगे तो जीरो हो जाएगा, तो ऐसे होगा। यहां पे देखो, यहां पर यदि मैं तुमसे कहूं कि यहां पे प्लस चार्ज है तो अपनी तरफ होगा कि अवे होगा, तो कहोगे अवे होगा, मैं कहूंगा प्लस होगा कि माइनस होगा, तो कहोगे माइनस होगा, मैं कहूंगा कि ऊपर बनाओ कि नीचे बनाओ, तो कहोगे नीचे बनाइए,
मैं कहूंगा दूर जाओगे तो कम होगा, दूर जाते हुए कम होगा और ये ग्राफ है। तो आप देखें कि किस तरीके से इनका ग्राफ वैरी कर रहा है। आपको मैं कई क्वेश्चन दे चुका हूं इस तरह के, इधर होगा उधर होगा करके सोचते रहिए। बाकी सारे ग्राफ आप बनाइए और अगले क्लास में मैं ट्राई करूंगा कि फटाफट उनको खींच दूं और आप अपना चेक कर लें कि ग्राफ कितना आप समझ पाए, खींच पाए इलेक्ट्रिक फील्ड को, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी भागने का कोई मतलब नहीं है। यदि हम लोग ठीक से ग्राफ को समझ लेते हैं, एक एक स्टेप को समझ लेते हैं, लेवल डायग्राम को समझ लेते हैं, तो बाकी मैग्नेटिज्म या किसी भी चीज को समझना, उसको करना, अटेम्प्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।